हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। चलिए मार्केट को कल के लिए एनालाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। जब हम निफ्टी को कल स्टडी कर रहे थे तो हमने इस गैप के बारे में डिस्कस किया था। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था और इसको हमने नाम दिया था गैप टू। और हमने यहाँ कहा था कि ये जो गैप बना था उसके बाद में इसको एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया गया था फिल करने का। उसके बाद में हल्का फुल्का 9th ऑफ अगस्त को अटेम्प्ट किया गया था, बट इसको भी हम मानते हैं यहाँ भी कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन कैंडल कल 12th ऑफ अगस्त को ये थोड़ा सा अटेम्प्ट माना गया था, बट ये वीक अटेम्प्ट रहा और क्लोजिंग इसी के अंदर रहा। क्लोजिंग बेसिस पे हमने बार बार चेक किया कि 24,400 का हमारा वो लेवल है जो मेजर रेसिस्टेंस की तरह खड़ा है। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाके अपने आप को होल्ड कर लेगा तो 24,700 का हमारे पास लेवल निकल के आएगा। इन केस ये जो जोन हमने बनाया था कि जोन में अटक गया है, इस जोन का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लियर मूव के लिए। और इस जोन का जो लोअर लेवल था दैट वाज 24,300 से लेके 280 का लेवल था, और अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा दिस विल बी ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था। अगर कल का चार्ट देखें लाइन एज इट इज है तो ये हमारा टारगेट रहेगा, और इसके बाद में फिर हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो 23,900 का रहेगा। और अगर ये ब्रेक हो गया तो फर्दर सेकेंड फॉल, जो सेकेंड राउंड का फॉल अभी बाकी है, वो शुरू हो जाएगा। अब हमें ये भी नहीं पता कि मार्केट पहले इसको अचीव करेगी या पहले इसको अचीव। देखिए कई बार हमारे जो नए ट्रेडर उनको लगता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती है, मतलब अगर राइज करना शुरू कर देगी तो राइज करती रहेगी। मार्केट है, समझिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेवल। अगर लेवल की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने ये एक लेवल की बात करी, उसके बाद हमने ये सेकंड लेवल की बात करी, तो दोनों लेवल को जब तक मार्केट टच नहीं करेगा, उनको ब्रेक नहीं करेगा, उनके ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा या उनके नीचे क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम आगे के बारे में नहीं सोच सकते। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा इंडिकेट कर रही है बाय के लिए, बिकॉज इस लेवल के आसपास आकर वो अटेम्प्ट कर रही है, तो हम डेफिनेटली अपना जो आउटलुक रखेंगे बाय की तरफ रखेंगे। ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बट इन केस ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंस फेस हुआ ऊपर जाकर, अगर वहीं से रेसिस्टेंस फेस हुआ तो सेल ऑन राइज बनेगा, तो सेल ऑन राइज के बेसिस पे हम पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट 250 का या 200 का बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवल से हटकर हम कभी भी बात नहीं कर सकते। और आप ये मत सोचिएगा मार्केट जब राइज करती है तो एक ही जो है डायरेक्शन में ट्रेड करेगी, जब फॉल करेगी तो एक ही डायरेक्शन में नीचे गिरेगी, नहीं, मार्केट zigzag मूवमेंट में चलती है। और इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है लेवल्स। जब आपने लेवल्स को पकड़ना शुरू कर दिया कि यार ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेरा वीकली लेवल है। लेवल क्या क्या होते हैं? इंट्राडे लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, इंट्राडे। उसके बाद में आपका इंट्राडे का मतलब ड्यूरिंग द मार्केट, जिसको आप 5 मिनट या 15 मिनट पर भी स्टडी कर सकते हैं और उसमें मार्केट पीक्स या इमीडिएट पीक की बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेवल होता है डेली लेवल, मतलब डेली मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, कहाँ पर उसने हाई बनाया, कहाँ पर क्लोज किया है, कहाँ पर बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और उसके बाद में हमारा बनता है वीकली और उसके बाद में मंथली। तो इन लेवल्स को आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा आप मूविंग एवरेज की बात कर सकते हैं, 10, 20, 50, इनको स्टडी करेंगे, फिबोनाची को स्टडी करेंगे, तो ये लेवल्स आपको अलग अलग तरीके से निकल जाते हैं, बट हर बार सबको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम बार बार बात कर रहे हैं इन्हीं दो लेवल्स की, तो जब तक इसी लेवल के बीच में अटका हुआ तो हमारे लिए बाकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट लेवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तभी बनेगी जब लेवल अचीव हो जाएंगे। तो आज भी हम उसी स्टेज में खड़े हैं, चार्ट आपको क्लियर दिख ही रहा है। अब हमें यह पता करना कि ये ब्रेक होगा या फिर आप एक काम करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या चैनल की बात करूंगा, चैनल ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे कवर करता हुआ और ऐसे। तो अब हमें यह देखना है कि कौन सा पार्ट पहले ब्रेक किया जाएगा, कौन सा लेवल पहले ब्रेक किया जाएगा, और जो लेवल ब्रेक होगा मार्केट वही डायरेक्शन पकड़ेगी। मेक सेंस? और गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहला काम अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऐसा करके आप हमें सपोर्ट करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर लाइव अपडेट इन द मार्केट। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे voodootrading.in तो वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो जरूर उसको चेक कीजिएगा। अभी हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है इंट्राडे सेटअप वाला, काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और उसके अलावा कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वहां मिलेंगे, सो यू कैन चेक दैट आउट। तो वापस आते हैं, जब हम बात कर रहे थे भी, जैसे थोड़ा सा मैं आपको वो कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ और इसको चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास करंट क्लोजिंग है 24,139। ये कौन सा लेवल है हमारे पास? 24,090। इसके नीचे हमारे पास कहाँ गिरेगा? इसके नीचे हमारे पास सीधा गिरेगा 24,000 से लेके 23,900। तो कोई भी लेवल अगर इसको ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली पुट बाय करेंगे, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट आपका रहेगा 23,950, 23,950
और सेकंड टारगेट आपका 23,900 का रहेगा। तो ये दो टारगेट आप यूज कर सकते हैं उसमें। और अगर आप हेजिंग यूज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट कल वाला नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी आप चूज करेंगे, और नेक्स्ट एक्सपायरी में मतलब कल की एक्सपायरी मत लीजिएगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ में जब आप यहां पर पुट बाय करेंगे तो आप 300 पॉइंट का नीचे जाकर पुट सेल कीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। कल की एक्सपायरी में एक नुकसान होता है, एक तो आपको आउट ऑफ मनी कोई फायदा नहीं मिलेगा, मतलब वहां पर प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो सेल करना ना करना बराबर हुआ। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी वजह से होल्ड करना पड़ गया तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी। और मेरी सलाह तो ये है कि जिस भी दिन आप, जैसे हमारा एक्सपायरी डे वाला दिन होता है, उस दिन प्लीज आप सेम डे एक्सपायरी चूज मत कीजिएगा, हमेशा नेक्स्ट पे फोकस करें, उससे आपके पैसे बचेंगे। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है हमारे लिए, ये ब्रेक करके ऊपर भागना शुरू करेगा। तो ये लेवल कहाँ मिलेगा हमें, ये लेवल हमें मिलेगा 160 से लेके 170 का। तो 24 160 से लेके 180 का लेवल रहेगा। इसको ब्रेक होने के बाद में आपका कॉल बाय बनेगा, स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट का बनेगा। और अगर आप हेज करना चाहते हैं तो वंस अगेन नेक्स्ट एक्सपायरी 300 पॉइंट ऊपर जाकर आप अपना कॉल सेल कीजिएगा 300 पॉइंट्स का, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एटीएम बाय कीजिएगा, मैक्सिमम आप चाहें तो 24,200 बाय करेंगे, लेकिन 24,500 बाय करके 24,800 मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा 280 का, और फिर 300 से लेके 320 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखिएगा, ये जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन, तो हमने कहा था कि ये इसका मेजर सपोर्ट है इंट्राडे वाला, मतलब ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए इसी लेवल से कई बार इसने बाउंस बैक किया था। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट था, वो था ये वाला जोन। ये जोन पे देखिए, यहाँ पर दो तीन बार अटेम्प्ट किया था, कल भी किया था, और इट मींस दैट ये जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके राइज करेगा तो ये हमारा टारगेट 1 बन रहा था, ये टारगेट हमारा 2 बन रहा था। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये दो पॉइंट में हमारे पास यहाँ सपोर्ट था, और ये ब्रेक होने के बाद में ये हमारा टारगेट रहा था फॉलिंग साइड के अंदर। तो उसने चूज किया कि वो नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे गिरते वक्त उसने जो क्लोजिंग दिया है वो है 49,831 का। अब इसके बेसिस पर अगर ये बाउंस बैक करता है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर बाउंस बैक दिखाता है तो आप 49,900 के ऊपर जाने के बाद अपना कॉल बाय कीजिएगा। और यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा कल का एक्सपायरी मत लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी लीजिएगा, और 500 पॉइंट ऊपर जाकर, यहाँ स्टॉप लॉस मत लगाइएगा क्योंकि 500 पॉइंट ऊपर आपको इनअप अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा, 500 पॉइंट ऊपर जाकर अपना कॉल सेल कीजिएगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा अगर आपको लगेगा कि पहले 10-5 मिनट में ही ये लेवल ब्रीच हो गया है, मतलब जैसे 915 पे ओपन हुआ, इमीडिएटली बाउंस बैक किया और ये ब्रीच हो गया और 950-970 के आसपास ट्रेड करा, तो वेट कीजिएगा प्लीज़ 50,000 के ब्रेक होने का, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद में ये कंफर्म हो जाएगा। आप चाहें तो इस लेवल को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये लेवल एक मेजर लेवल है, मेजर रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने के बाद में अगर होल्ड कर लेगा ना तो डेफिनेटली एक अच्छा सा आपको बाउंस बैक मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरने लगा, तो यही लेवल आपका सेल ऑन राइज बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ेगा। आपको उस हेजिंग की वजह से आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, माइनर सा रहेगा, कुछ 100-200 रुपये का, बट फिर भी क्यों रिस्क ले जब आपका ये पता है कि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरेगा सेल ऑन राइज, तो आप यहाँ पर अपना इमीडिएटली पुट बाय कीजिएगा। इस बार जो है फॉलिंग साइड में चाहें तो आप अपना पुट 500 पॉइंट का, विच मीन्स 49,500 का आप अपना पुट सेल कीजिएगा। ये है जब हमारा प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा या फिर यहीं पर स्टे कर लेगा, तो डेफिनेटली कॉल बाय करके ये आप कीजिएगा। उसके बाद में नीचे तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में मुझे लग रहा है कि 49,780 से लेके 750 का लेवल रहेगा, और ये अगर नीचे गिर जाएगा तो पहला टारगेट ही आपको देखिए हल्का फुल्का डेफिनेटली यहाँ पे आकर रुकेगा, क्योंकि इसने एक दो बार यहाँ पर आके बाउंस बैक लिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा सपोर्ट है, लेकिन एक बार यहाँ से हल्का सा रुक के राइज करके वापस गिरेगा तो अगला टारगेट आपका फिर 49,500 का निकल के आएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही वो 650 के आसपास आए तो ऑन कॉस्ट, वैसे तो देखिए ऑन कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप हेजिंग करेंगे, फिर भी ऑन कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस रखेगा। जैसे दोनों मैच करें, दोनों का आपका कंप्लीट एक आपका बाय उसमें प्रॉफिट में रहेगा, एक लॉस में रहेगा, तो जो भी आपका मैच करेगा, जैसे आपका प्लस माइनस जीरो के आसपास आए आप क्विट कर लीजिएगा, अगर बाउंस बैक करना शुरू करें, इफ नॉट होल्ड कीजिएगा। और 49,500 ब्रेक हो गया तो सीधा 49,000 पे गिरेगा, बिकॉज इसके बाद में जो फॉल रहेगा वो शार्प रहेगा, और ये रहेगा हमारा आउटलुक फॉर बैंक निफ्टी। चलिए अब कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला पिक रहेगा हमारा ग्रैन्यूल्स का, और गाइस यहाँ पर जो भी हम चार्ट डिस्कस कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं, देखिए ग्रैन्यूल ने क्या किया था। ग्रैन्यूल ने जब से अगस्त शुरू हुआ है लगातार एक
ट्रेंड लाइन पे लगातार राइज कर रहा है और आज भी उसी के आसपास आ गया है। तो देखिएगा यहां से बाउंस बैक भी बन सकता है और नीचे भी कर सकता है। तो बाउंस बैक बनेगा तो एक अच्छा सा राइज हमें देखने मिलेगा। करंट क्लोजिंग हमारे पास 676 की और हल्का सा हमारे पास जो बाउंस बैक है, इनकेस नीचे नहीं आता वहीं से राइज करेगा तो हमारे पास 680 का लेवल है। इसके ऊपर जाने के बाद आपका बाय बनेगा, 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 686 एंड 692 के आपके राइजिंग साइड में टारगेट रहेंगे। और जब फॉलिंग साइड की बात करेंगे, देखिएगा अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपका 670 से लेके 672 बनेगा, विच मीन्स 672 का आपका सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए एक सेल बनेगा, ये सपोर्ट लिखा है मैंने यहाँ पर। वंस अगेन 5 पॉइंट का आप अपना स्टॉप लॉस रखेगा तो आपके पास में अगर बनता है तो 664 एंड 658 के आपके फर्स्ट और सेकंड टारगेट रहेंगे। इन केस अगर ऐसा होता है कि बाउंस बैक भी करता है तो बाउंस बैक के टाइम पर भी आप इसी लेवल को फोकस कीजिएगा। हो सकता है कि बीच में कहीं प्राइस हल्का फुल्का जिगजैग मोमेंट पे वापस नीचे गिरना शुरू करे, इसलिए क्लियर मोमेंट इसी के बाद आएगी या फिर क्लियर मोमेंट इसी के फॉल के बाद में आएगी इन ग्रैन्यूल्स। अगला हमारे पास रहेगा बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ऊपर से नीचे गिरा, यहां से नीचे तक आया, उसके बाद अटेम्प्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, विच मीन्स ये जो लेवल है आपके पास में विच इज 562 का से के 560 का जो लेवल है ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है। इसी को ब्रेक होने के बाद में आपका यहाँ बनता है सेल। और अगर आप यहाँ पर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर इसको सेल करेंगे तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट रहेगा 5, अगर मान लीजिए इसके बेसिस पे 555 एंड 550, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा तो ऊपर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे, ये वाला पार्ट जितने भी हमारे रीसेंट हाईज हैं इसके बीच में भी अटक सकता है, इसके बीच में अटक जाए तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा। और ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है समवे क्लोज टू 570 के आसपास ही आ रहा है। सो इफ आई सी दैट 570 को अगर ब्रेक करता है तो आपका बाय बनेगा, यहाँ पर वंस अगेन 4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 575 एंड 580 के आपके फर्स्ट सेकेंड टारगेट रहेंगे इन बिरला सॉफ्ट। अगला स्टॉक हमारे पास रहेगा यूपीएल। यूपीएल में देखिएगा नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे ये हमारा ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक हो चुका है जिस पे इसने कुछ टाइम से बार बार आके हिट करके राइज किया था। और एक लाइन अगर मैं ऊपर की तरफ मार्क करूंगा ये वाला, तो ये बन जाता है हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस। करंट क्लोजिंग की बात करें तो 552 का है, तो हमारे पास ये हो गया 552, ये क्लोजिंग है। सपोर्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है, 550 का। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिएगा, 545 और 540 के लिए आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वापस बाउंस बैक करेगा तो आपका हल्का फुल्का देखिए यहां पर रेसिस्टेंस मिलेगा, तो आप 555 के ऊपर जाने के बाद में आप अपना बाइक जो है इनिशिएट करेंगे। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 560 और 565 के टारगेट के लिए आप अपना बाय कर सकते हैं यूपीएल के अंदर। तो गाइज ये रहेगी हमारी कल के लिए एनालिसिस, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।